हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है गुंटूर कारम तो गुंटूर कारम फिल्म आपको किस तरह से कैसे, क्या ऑफिशियली हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले हैं. इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है साथ ही मैं फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट एसपे के वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है उसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं गुंटूर गुंटूरकार जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे होता है स्पाइस ऑफ गुंटूर ये एक दो हजार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म हरिका एन हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो सौ करोड़ के बजट के आसपास बनाया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी और मनोज परमहंसा और पी एस विनोद ने की हुई है फिल्म की एडिटिंग नवीन नूली के द्वारा करवाई गई थी इस फिल्म को एक सौ उनसठ मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म दो घंटे उनचालीस में लंबी देखने को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक ओएसिस थमन ने दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों उन्होंने ही कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस दी हुई थी इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स के लिए

वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वेंटा स्वामी की बेटी का रोल था रमना की माँ का और गोपाल के माँ का रोल था भोगीन सत्यम की एक्स वाइफ और राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद के लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ है जया राम ने इस फिल्म में भोगीन सत्यम नारायण का रोल प्ले किया है उर्फ रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ

लो रमना के अंकल का रोल था तेजकू ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया कियाबल मोहम्मद जो राजगोपालन के, 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 राज के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगे रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मदरता पे टिकर के जो गाना है उसमें अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड िनियन कास्ट हैं जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से करते हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने महर्षि की हुई थी जहाँ बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ में अरविंद समेत अला कोटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी जब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज राव जूनियर को बेस्ट स्क्रिप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी

हरिकासी क्रिएशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी और तीन फरवरी 2022 को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहाँ पे सभी कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे इनिशियली इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर वन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए त्रिविक्रम ने इस फिल्म को बाद में नया वर्जन मॉडिफाई किया जहाँ पे इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था वो इकतीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर री में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आए जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एज सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह से सट्ठाइस दिसंबर 2023 हजार तेईस तक रेपअप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कंप्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहां पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल छह ट्रैक है जिसकी लेंथ है अट्ठारह मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक वालों ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति वोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण

दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में 25 साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले करे प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना आए आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीजें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो गुंटो डायलेक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सीक्वेंस सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ लाजवाब है उनकी कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है इस फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू के ग्रैंड फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने वो डिलीवर किया उसमें उन्होंने जो एक शकूनी मामा वाला काम किया वो काफी बढ़िया है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिस तरह से इस फिल्म में देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में काफी बढ़िया थी जहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर्स के साथ चीजें ऐड की हुई थी वो काफी बढ़िया थी इस फिल्म में रम्या कृष्णन का एक लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव फाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती एक सबल और आ, इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला क्रिश ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो उसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज्यादा लेक नज़र आ रहे थे काफ़ी ज्यादा स्लो फिल्म नजर आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में कारम में अन्य सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर था कंट्रीब्यूशन था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्रन जगपति बाबू राव रमेश जया राम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले

भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग का काम है इस फिल्म का काफी ज्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है जैसे उनकी इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय था वीरा राघवान आ, आ, आ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थे उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफी ज्यादा वीक नजर आते हैं तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टारडम के साथ ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी करोड़ के आसपास ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलगु मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आई पे फिलहाल में करीबन अट्ठारह वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से कुंटूर कारम फिल्म फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने हैं तो देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन को मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तमिल कन्नडा मलयालम इन्हीं सभी डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुंटूर कारम फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां तो इस तरह से गुंटूर गुंटूर फिल्म आप टोटल में ऊपर एंजॉय कर पाओगे का जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पाइस ऑफ गुंटूर ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिकाइन हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के

प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा रायवाल नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडेप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंबा और राजी की माँ का

लो रमना के अंकल का रोल था तेजक कुमानू ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया हुआ। जो रंगम और के बेटे का रोल है राजी के भाई और के कजिन का रोल है याकोब का रोल प्ले कियाबल किया मोहम्मद जो राजगोपालन के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगी रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मादरता टिकर के जो गाना है उसमें कमी अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड मिनंट कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही में महर्षि फिल्म की हुई थी जहां और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत अला वैंकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज रा जूनियर को भी स्क्रिप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी बाद में महेश बाबू के साथ उन्होंने एक मई को जहाँ पे पता चला कि एक एस एट नाम की महेश में स्टार्ट करवा दिया गया था खत्म होने के बाद जहाँ सिनेमेटोग्राफर के तौर पर पी विनोद एडिटर के तौर पर नवीन नूली म्यूजिक कंपोजर के तौर पर एस एस थमन आर्ट डायरेक्शन के तौर पर फाइनलाइज किया हुआ था और एस राधा कृष्णन के द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर फंड किया गया जहां पे उन्होंने हरिका हसीन क्रिएशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी और तीन फरवरी 2022 को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहाँ पे सभी कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे इनिशियल इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर ऑन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए त्रिविक्रम ने इस फिल्म को बाद में नया वर्जन मॉडिफाई किया जहाँ पे इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था इक्तीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो बारह सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अट्ठारह जनवरी दो को जहाँ पे इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर री में हैदराबाद में वहाँ पे उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमाटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आए जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एज सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज पर हम इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह अट्ठाईस दो हजार तेईस तक रेपअप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कम्पलीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहाँ पे दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल छेट रे है जिसके थे अट्ठारह मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम रामजोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम रामजोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण

दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले करे प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते हैं जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा कि उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना आए आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीजें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन हंड्रेड परसेंट दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पे इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फ़ीचर हुए उनका जो घुटो डायलैक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी है फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सी सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक का रोल जिस तरह से डिलीवर किया इस फिल्म में वो लाजवाब है उनकी एक कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है इस फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू के ग्रैंड फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने वो डिलीवर किया उसमें उन्होंने जो एक शकोनी मामा वाला काम किया वो काफी बढ़िया है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिस तरह से इस फिल्म में देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में काफ़ी बढ़िया थी जहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर्स के साथ चीज़ें ऐड की हुई थी वो काफ़ी बढ़िया थी इस फिल्म में रम्या कृष्णन का एक लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव फाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नज़र आती है एक सबल और आ, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला बेनेलाशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यूअल लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो उसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा लेक नज़र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नजर आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में में गुंटूर काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर था कंट्रीब्यूशन था था वो बहुत छोटा क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्रन जगपति बाबू राव रमेश जया राम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डेवलप किया हुआ है वो लगता नहीं कि वो उन्होंने फिल्म लिख के डिरेक्ट किए हुए काफी ज्यादा उसमें फ्लो नजर आते हैं ओवरऑल म्यूजिकली ये फिल्म थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीजें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहाँ पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्रीलीला का भी वैसे डांस काफ़ी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका किरदार भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डिरेक्शन का काम है इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनकी इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थे उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफी ज्यादा वीक नजर आते तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टार के साथ ये फिल्म रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ सत्तर से एक सौ अस्सी करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक, एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगु मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आई

हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहाँ पे इस फिल्म को सकते तो इस तरह से फिल्म आप टोटल इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है ये एक चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने फिल्म को हरिका हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के बजट

que le

वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वेंटा स्वामी की बेटी का रोल था रमणा की माँ का और गोपाल के का रोल था भोगी की सत्यम की एक्स वाइफ और राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद के लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ है जया राम ने इस फिल्म में भोगीनैनी सत्यम नारायण का रोल प्ले किया है उर्फ रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ

िनियन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले, 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 प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही में महर्षि फिल्म की हुई थी जहाँ पे महर्षि फिल्म महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत अला वैकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज राव जूनियर को भी सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी

इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था वो इकतीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एजेट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परमसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह दिसंबर 2023 तक अप करवाई उसके बाद में इस फिल्म का साथ ही म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कम्प्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहां पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल ट्रैक है जिसके लिए थे मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आती म्यूजिक वालों ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने अचीप खासी प्राइज में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति वोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण और साहित्य जगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 30 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया मावा इंतानिया गाना था उसको रामजो के शास्त्री ने लिखा हुआ था राम आचार्य कोमा ने श्री और राहुल सिप्लिगुन ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 10 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया रमणा ए गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पे 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था राम रामजोगिया शास्त्री ने विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ हुई थी अट्ठारह मिनट पचास सेकंड इन सभी गानों को 26 जनवरी 2024 को ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानी कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले हैं उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में 25 साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले करे प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना हो आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीजें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट रेक करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो घुटो डायलेक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सीक्वेंस जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ लाजवाब है उनकी एक कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है इस फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू के ग्रैंड फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने वो डिलीवर किया उसमें उन्होंने जो एक शकूनी मामा वाला काम किया वो काफी बढ़िया है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिस तरह से इस फिल्म में देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में काफी बढ़िया थी जहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर्स के साथ चीजें ऐड की हुई थी वो काफी बढ़िया थी इस फिल्म में रम्या कृष्णन का एक लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव फाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती है एक सबल और आ, इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला क्रिश ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो इसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज्यादा ले नजर आ रहे थे काफ़ी ज्यादा स्लो फिल्म नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में कारम में सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर था कंट्रीब्यूशन था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्र जगपति बाबू राव रमेश जया राम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले आपके मुकाबले ठीक ठाक होता नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट कोशिश कर रही थी जहां महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीजें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहां पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्रीलीला का भी वैसे डांस काफी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग का काम है इस फिल्म का काफी ज्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनके इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय था वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थी उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफी ज्यादा वीक नजर है तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक रिसेंट कलेक्शन किया एक सत्ता से एक से करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नाडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगू मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आई

हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां इस फिल्म को विध इंग्लिश टाइटल हो तो इस तरह से गुंटूर फिल्म आप टोटल में नेटफ्लिक्स ऊपर एंजॉय कर पाओगे गुंटूर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होता है स्पाइस ऑफ गुंटूर ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस कियाधाकृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिकाइन हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के

प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडेप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ का

लोर रमना के अंकल का रोल था तेजक कुमान ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया हुआ। जो रंगम और के बेटे का है राजी के और राजगोपालन के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगी रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मादरता टिकर के जो गाना है उसमें अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड मिनियन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले, 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 प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही में महर्षि फिल्म की हुई थी जहाँ पे महर्षि फिल्म महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेताला विकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज राव जूनियर को भी स्क्रिप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी बाद में महेश बाबू के साथ उन्होंने एक मई को जहाँ पे पता चला कि एक एट नाम की महेश में स्टार्ट करवा दिया गया था वारी पाता फिल्म खत्म होने के बाद जहाँ सिनेमेटोग्राफर के तौर पर नवीन नूली म्यूजिक कंपोजर के तौर पर एस एस थमन आर्ट डायरेक्शन के तौर पर एस प्रकाश को फाइनलाइज किया हुआ था और एस राधा कृष्णन के द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर फंड किया गया जहाँ पे उन्होंने हरिका हसीन क्रिएशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो तीन फरवरी 2022 को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहाँ पे सभी कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे इनिशियल इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर ऑन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए त्रिविक्रम ने इस फिल्म को बाद में नया वर्जन मॉडिफाई किया जहाँ पे इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था इकतीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अट्ठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर री में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमाटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एजेट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह अट्ठाईस दिसंबर 2023 हजार तेईस तक रेपअप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कंप्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहां पर 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल 6 ट्रैक है जिसकी लेंथ है अट्ठारह मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक वालों ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम रामजोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण और साहित्य जगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 30 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया मावा इंतानिया गाना था उसको राम जोगरे शास्त्री ने लिखा हुआ था राम आचार्य ने श्री कृष्ण और राहुल सिप्लिगुन ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 10 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया रमणा एक गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोत्ते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पे 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था राम रामजुगिया शास्त्री ने विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था टोटली छः गाने थे जिसकी लेंथ हुई थी तो अट्ठारह मिनट पचास सेकंड इन सभी गानों को 26 जनवरी 2024 को ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकटर रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानी कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा वेंकटर रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले हैं उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले करे प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन 25 साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीजें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना आए आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीजें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस तो, इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट रेक करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो गुंटू डायलेक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सी सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ लाजवाब है उनकी कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है इस फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू के ग्रैंड फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने वो डिलीवर किया उसमें उन्होंने जो एक शकोनी मामा वाला काम किया वो काफी बढ़िया है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिस तरह से इस फिल्म में देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में काफी बढ़िया थी जहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर्स के साथ चीजें एड की हुई थी वो काफी बढ़िया थी इस फिल्म में रम्या कृष्णन का एक लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव फाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती है एक सबल और आ, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू बेनेला क्रिशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो इसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा लेकर नज़र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म आ नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में कारम में सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर था कंट्रीब्यूशन था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्रन जगपति बाबू राव रमेश जया राम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले

दर भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डिरेक्शन का काम है इस फिल्म का काफी ज्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनकी इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थे उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफी ज्यादा वीक नजर आते तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टार के साथ ये फिल्म रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगु मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आई

हिंदी डब के साथ साथ तेलगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है तो इस तरह से एक दो हजार चौबीस की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिका एंड हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के के आसपास बनाया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में परम हमसा और पी एस ने की फिल्म की द्वारा बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था इसके अलावा इस फिल्म का थमन ने दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक वालों ने खरीदे हुए जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस दी हुई थी इस फिल्म के म्यूजिक के राइट के लिए

वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वेंटा स्वामी की बेटी का रोल था रमणा की माँ का और गोपाल के माँ का रोल था भोगीन सत्यम की एक्स वाइफ और राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद के लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ है जया राम ने इस फिल्म में भोगीनैनी सत्यम नारायण का रोल प्ले किया है उर्फ रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया है जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते हुए तो नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए तो नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ का

रमणा के अंकल का रोल था तेजकू ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया कियाबल मोहम्मद जो राजगोपालन के, 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 राज के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगी रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मादरता पे टिकर के जो गाना है उसमें अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड ियन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथी में फिल्म की हुई थी पे फिल्म महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत आला वैंकुटपुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज राव जूनियर को भी स्क्रिप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी

हरिका हाईन क्रिएशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो तीन फरवरी 2022 को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहाँ पे सभी कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे इनिशियल इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर ऑन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए त्रिविक्रम ने इस फिल्म को बाद में नया वर्जन मॉडिफाई किया जहाँ पे इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था वो इकतीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर राली में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एज सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह सट्ठाइस दिसंबर 2023 तक तेईस अप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कम्पलीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहाँ पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल ट्रैक है जिसकी लेंथ है 18 मिनट 50 सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में एस एस धमन के द्वारा क्रिएट किया गया था म्यूजिक लेबल करवाया हुआ था उन्होंने अचीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नूरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो ते ते को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्णा और साहित्य जगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा तीस दिसंबर दो को रिलीज किया गया मावा इंतान्या गाना था उसको राम जोग वगैरह शास्त्री ने लिखा हुआ था रामाचार्य कोमाडूरी ने श्री कृष्ण और राहुल सिपलीगुन ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 10 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया रमणा ये गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पर सोलह जनवरी दो को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था राम इन सभी गानों को ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में के, एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले कर है प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना हो आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीज़ें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा के इस तो इस सभी चीजों को लेकर किस तस्टी रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत की वो ऐसा नजर आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पे इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो गुंटू डायलैक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी है फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सीक्वेंस सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ इस फिल्म में वो लाजवाब है उनकी एक कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म

इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला क्रिशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यन लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो उसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा ले क्लस्टर नजर आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में में कारम सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर था कंट्रीब्यूशन था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्र जगपति बाबू राव रमेश जयाराम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डेवलप किया हुआ वो लगता नहीं कि वो उन्होंने फिल्म लिख के डिरेक्ट की हुए काफी ज्यादा उसमें फ्लो नजर आते ओवरऑल म्यूजिकली ये फिल्म थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीज़ें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहाँ पर भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्री लीला का भी वैसे डांस काफ़ी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका किरदार भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डिरेक्शन का काम है इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है जैसे उनके इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पे जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंदर समय था वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थी उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफी ज्यादा वीक नजर आती है तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन के के साथ ये फिल्म ने पे एक डिसेंट किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नाडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगू मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आईम

हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां को विद इंग्लिश टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से गुंटूर का गुंटुरकार फिल्म आप टोटल पांच लैंग्वेजेज में नेटफ्लिक्स के ऊपर इन्जॉय कर पाओगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा वेंकट रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताए बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले कर है प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि व्यारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना आए आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीज़ें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा के इस तो इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत की वो ऐसा नजर आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पे इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो घुटो डायलैक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी है फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सीक्वेंस सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ इस फिल्म में वो लाजवाब है उनकी एक कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म

इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला बैनलाशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यन लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो उसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा ले क्लस्टर नजर आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में में कारम सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्र जगपति बाबू राव रमेश जया राम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डेवलप किया हुआ है वो लगता नहीं कि वो उन्होंने फिल्म लिख के डिरेक्ट की हुए काफी ज्यादा उसमें फ्लो नजर आते ओवरऑल म्यूजिकली ये फिल्म थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीज़ें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहाँ पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्रीलीला का भी वैसे डांस काफ़ी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका किरदार भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डा का काम है इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनके इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डायरेक्टर के तौर पे जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंदर समय था वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थी उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफी ज्यादा वीक नजर आती है तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन के के साथ ये फिल्म ने पे एक डिसेंट किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलगू मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आईम

हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां इस फिल्म को विध इंग्लिश टाइटल हो तो इस तरह से गुंटूर फिल्म आप टोटल गुंटुर में नेटफ्लिक्स से ऊपर एंजॉय कर पाओगे गुंटूर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पाइस ऑफ गुंटूर ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिकाइन हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के

כלים इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें महेश बाबू लीड रोल में देखने को मिलते हैं जिन्होंने है, का रोल प्ले किया है बसवा राजू अमुक्ता मलियादा का रोल प्ले किया उर्फ अमू का रोल प्ले किया हुआ है जो सरंगना पानी की बेटी है और रमना का लव इंटरेस्ट है मीनाक्षी चौधरी ने राजी का रोल प्ले किया है जो रमणा की कजिन का रोल है रम्या कृष्णा इस फिल्म में मिनी वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वेंकटा स्वामी की बेटी का रोल था रमणा की माँ का और गोपाल के का रोल था भोगीन सत्यम की एक्स वाइफ और राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद के लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ है जया राम ने इस फिल्म में भोगीनैनी सत्यम नारायण का रोल प्ले किया उर्फ रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के डिप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ का

का एडोप्टिव हाफ ब्रदर है इसके अलावा पी रविशंकर इस फिल्म में काटा महतो का, का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वेंटा स्वामी का राइवल है और ओपोजिशन लीडर है ब्रह्मा जी ने इस फिल्म में आदि नारायण का रोल प्ले किया हुआ है राव ने फेक हरिदास का रोल प्ले किया हुआ है घोष ने इस फिल्म में हरिदास का रोल प्ले किया हुआ है अजय इस फिल्म में आपको बाबू जी यानी कि ब्लाइंड कॉन्ट्रेक्ट किलर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रघु बाबू ने रंगम का रोल प्ले किया है जो बुज्जी के हस्बैंड का रोल है सम्मा और राजी के फादर का रोल है सत्यम के ब्रदर लो रमना के अंकल का रोल था तेजक ककुमानू ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया हुआ। जो रंगम और के बेटे का है राजी के, भाई और के कजिन का रोल ने नेफ्यू का रोल प्ले कियाबल किया मोहम्मद जो राजगोपालन के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस देती हुई नजर आएंगी रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मादरता पे टिकर के जो गाना है उसमें अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले, प्ले, प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही में महर्षि फिल्म की हुई थी जहां पे फिल्म महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत अला वैंकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी राव जूनियर को भी स्क्रिप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आकर रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी बाद में महेश बाबू के साथ उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक मई को जहाँ पे पता चला कि महेश बाबू त्रिविक्रम विक्रम श्रीवास श्रीनिवास एक ट्वेंटी एस एस एम नाम की फिल्म बनाने वाले जहाँ पे प्रोडक्शन का, का कामकाज नवंबर दो में स्टार्ट करवा दिया गया था सरकार वारिपाता फिल्म खत्म होने के बाद जहाँ सिने पे सिनेमेटोग्राफर के तौर पर पी विनोद एडिटर के तौर पर नवीन नुली म्यूजिक कंपोजर के तौर पर एस एस धमन आर्ट डायरेक्शन के तौर पर एस प्रकाश को फाइनलाइज किया हुआ था और इस राधा कृष्णन के द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर फंड किया गया जहां पे उन्होंने हरिका हसीन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी तीन फरवरी दो को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहां पे सभी कास्ट और क्रू में शामिल थे इनिशियली इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर ऑन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर कर दिया गया था कुछ महीने

थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्रीलीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अट्ठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर री में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर भी फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर पीएस मेनन का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसेस आए जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनक परमहंसा को एज अ सिनेमेटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह सट्ठाइस दिसंबर 2023 हजार तेईस तक रेपअप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कंप्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल छह ट्रेक है जिसकी लेंथ है मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्ज में एस एस थमन के द्वारा क्रिएट किया गया था म्यूजिक ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्णा और साहित्य जगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पर आदित्य म्यूजिक के द्वारा तीस दिसंबर दो को रिलीज किया गया मावा इंतान्या शास्त्री ने लिखा हुआ था रामाचारी कोमाडूरी ने श्री कृष्ण और राहुल ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 10 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया रमणा ये गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पर सोलह जनवरी दो को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था

दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा वेंकट रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले करे प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते हैं जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीजें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना हो आए तो ये सभी चीज़ें की गई है लेकिन यहाँ पे चीज़ें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा के इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत की वो ऐसा नजर आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पे इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो गुंटू डायलैक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी है फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सीक्वेंस सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ इस फिल्म में वो लाजवाब है उनकी कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म

इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू बेनीलाशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो इसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा लेकर नज़र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में कारम में सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो गुंटुरूशन था, था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्रन जगपति बाबू राव रमेश जया उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डेवलप किया हुआ है वो लगता नहीं कि वो उन्होंने फिल्म लिख के डिरेक्ट की हुए काफी ज्यादा उसमें फ्लो नजर आते हैं ओवरऑल म्यूजिकली ये फिल्म थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीजें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहाँ पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्री लीला का भी वैसे डांस काफ़ी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका किरदार भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग रिश्शन का काम है इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनकी इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भर कम पिछली कुछ फिल्में आप आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पे जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय था वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थी उसके मुकाबले कुंटूर काराम काफी ज्यादा वीक नजर आते तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टारडम के साथ ये फिल्म रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगु मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आई

इस फिल्म में मिनिस्टर वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद की लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ जया राम ने इस फिल्म में भोगीन सत्यम नारायण का रोल प्ले किया उर्फ तो रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ

मिन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले, 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 प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही हुई थी जहां बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाडोर खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत अला वैंकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज जूनियर को भी स्क्रिप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी

हसीन क्रिएशंस के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी वो तीन फरवरी 2022 को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहाँ पे सभी कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे इनिशियल इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर ऑन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए त्रिविक्रम ने इस फिल्म को बाद में नया वर्जन मॉडिफाई किया जहाँ पे इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था वो इकतीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमाटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आए जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एज सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह से दिसंबर 2023 तक अप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कंप्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहां पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल ट्रैक है जिसके लिए थे 18 मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक वालों ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीफ खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति वोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण

दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानी कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा वेंकट रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में के, एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले करे प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा कि उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना हो आए तो ये सभी चीज़ें की गई है लेकिन यहाँ पे चीज़ें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस तो, इस सभी चीज़ों को लेकर किस तरह से रिएक्ट रेक करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो गुंटू जो एनर्जी फिल्म में, में डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज कुछ क्रिएट किए सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ फिल्म में वो लाजवाब उनकी कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है इस फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू के ग्रैंड फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने

इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला क्रिशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो उसमें कुछ खास मज़ा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा ले नजर आ रहे थे काफ़ी ज्यादा स्लो फिल्म

आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डेवलप किया हुआ है वो लगता नहीं कि वो उन्होंने फिल्म लिख के डिरेक्ट किए हुए काफी ज्यादा उसमें फ्लो नज़र आते हैं ओवरऑल म्यूजिकली ये फिल्म थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीज़ें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहाँ पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्रीलीला का भी वैसे डांस काफ़ी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका किरदार भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डिरेक्शन का काम है इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनके इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो हुँ, उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पे जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंदर समेत वीरा राघवान आ, आ, आ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थी उसके मुकाबले गुंटूर काराम काफी ज्यादा वीक नजर आती है तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के के साथ ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक कलेक्शन किया सौ करोड़ के आसपास का क्रॉस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगू मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आईम

हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां इस फिल्म को विध इंग्लिश टाइटल हो तो इस तरह से गुंटूर फिल्म आप टोटल में ऊपर एंजॉय कर पाओगे गुंटूर जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पाइस ऑफ गुंटूर ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिका हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के

‫כלים. इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें महेश में देखने को मिलते हैं जिन्होंने है, का रोल प्ले किया है बसवा राजू अमुक्ता मलियादा का रोल प्ले किया उर्फ अमू का रोल प्ले किया हुआ जो सरंगना पानी की बेटी है और रमना का लव इंटरेस्ट है मीनाक्षी चौधरी ने राजी का रोल प्ले किया है जो रमणा की कजिन का रोल है रम्या कृष्णा इस फिल्म में मिनी वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वेंकटा स्वामी की बेटी का रोल था रमणा की माँ का और गोपाल के का रोल था भोगीन सत्यम की एक्स वाइफ और राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद के लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ है जया राम ने इस फिल्म में भोगीननी सत्यम नारायण का रोल प्ले किया है उर्फ रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया है जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के डिप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ

का एडोप्टिव हाफ ब्रदर है इसके अलावा पी रविशंकर इस फिल्म में काटा महतो का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वेंटा स्वामी का राइवल है और ओपोजिशन लीडर है ब्रह्मा जी ने ने इस फिल्म में आदि का का रोल रोल प्ले प्ले किया किया हुआ हुआ है है राव फेक हरिदास अजय घोष ने इस फिल्म में हरिदास का रोल प्ले किया हुआ है अजय इस फिल्म में आपको बाबू जी यानी कि ब्लाइंड कॉन्ट्रेक्ट किलर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रघुबाबू ने रंगम का रोल प्ले किया है जो बुज्जी के हस्बैंड का रोल है सम्मा और राजी के फादर का रोल है सत्यम के ब्रदर रमणा के अंकल का रोल था तेजक कुमान ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया हुआ। जो रंगम और के बेटे का है राजी के भाई और रमणा के कजिन का रोल है ने याकोब का रोल प्ले किया है चंद्रा ने कॉन्स्टेबल मोहम्मद जो राजगोपालन के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीरेंस देती हुई नजर आएंगी रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मादरता पे टिकर के जो गाना है उसमें में अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड मिनियन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले, 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 प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही में महर्षि फिल्म की हुई थी जहां पे महर्षि फिल्म महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत आला वैंकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी राव जूनियर को भी सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी एक मई को जहां बाब नाम की फिल्म बनाने वाले जहां पे प्रोडक्शन का कामकाज नवंबर दो में स्टार्ट करवा दिया गया था सरकार फिल्म खत्म होने के बाद जहां के तौर पर नवीन नूली म्यूजिक कंपोजर के तौर

मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ तो उसके बाद में पूजा पूजागड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोली इस, इस फिल्म से उन उन्होंने फिल्म, इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो बारह सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अठारह जनवरी दो को जहाँ पे इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर री में हैदराबाद में वहाँ पे उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी दो में उसके बाद में सिनेमाटोग्राफर पी एस का भी डिरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफ्रेंसिस आए जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एज ए सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परमसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह अट्ठाईस मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कम्पलीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहाँ पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल छेट ट्रैक है जिसके लिए थे अठारह मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलुगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण और साहित्य चगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 30 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया मावा इंतानिया गाना था उसको राम राय शास्त्री ने लिखा हुआ था रामाचारी कोमाडूरी ने श्री कृष्ण और राहुल सिप्लीगुंज ने उसको गाया हुआ था इस गाने को दस जनवरी दो को रिलीज किया गया रमणा ये गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पे 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था रामजोगिया शास्त्री ने विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ हुई थी अट्ठारह मिनट पचास सेकंड इन सभी गानों को 26 जनवरी 2024 को ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकटर रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा वेंकटर रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले करे उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताए बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले कर है प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि व्यारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना आई आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीजें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो घुटो डायलेक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स, कुछ क्रिएट किए हुए प्रकाश फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने किया उसमें उन्होंने जो एक सकोनी मामा वाला काम किया वो काफी बढ़िया है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिस तरह से इस फिल्म में देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में काफी बढ़िया थी जहां पे सिग्निफिकेंट लेयर्स के साथ चीजें ऐड की हुई थी वो काफी बढ़िया थी इस फिल्म में रम्या कृष्णन का एक लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव फाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती है एक सबल और आ, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला बैनलाशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो इसमें कुछ खास मज़ा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा लेकर नज़र आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में में कारम सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूशन था था वो बहुत छोटा क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्रन जगपति बाबू राव रमेश जया उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पहले आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से कोशिश कर रही थी जहां पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीजें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहां पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्रीलीला का भी वैसे डांस काफी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका तो कई ऐसी का फिल्म का फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताऊ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर

इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टारडम के साथ ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ सत्तर से एक सौ अस्सी करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम और हिंदी सभी वर्जन के लिए खरीदा हुआ था तेलुगु मेन वर्जन से बाकी सभी डब्ड वर्जन थे इस फिल्म को आई पे फिलहाल में करीबन अट्ठारह वोट मिले हुए जिसमें पांच की रेटिंग हासिल हुई है दस में से कुंटुर कारम फिल्म फिलहाल में अगर आप ऑफिशियली देखने हैं तो देख सकते हो ओ टी टी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन तेलगू मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी तमिल कन्नडा मलयालम इन्हीं सभी डब्ड वर्जन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुंटूर कारम फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां इस फिल्म को इंग्लिश विध सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से गुंटूर गुंटूर फिल्म आप टोटल लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स ऊपर एंजॉय कर पाओगे का जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है स्पाइस ऑफ गुंटू ये एक दो की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिका एन हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के

प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया जो का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपालन नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडेप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की माँ

मिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथ ही में महर्षि फिल्म की हुई थी जहाँ पे महर्षि फिल्म महेश बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेताला वैंकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी आर रामाज राव जूनियर को भी सुना चुके थे लेकिन लेटर वन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी बाद में महेश बाबू के साथ उन्होंने एक मई को जहाँ पे पता चला कि विक्रम एक एट नाम की महेशवास एक हजार इक्कीस खत्म होने के बाद जहाँ सिनेमे पे सिनेमेटोग्राफर के तौर पर पी एस विनोद एडिटर के तौर पर नवीन नूली म्यूजिक कंपोजर के तौर पर एस एस थमन आर्ट डायरेक्शन के तौर पर एस प्रकाश को फाइनलाइज किया हुआ था और एस राधा कृष्णन के द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर फंड किया गया जहां पे उन्होंने हरिका हसीन क्रिएशन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी और तीन फरवरी 2022 को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहां पे सभी कास्ट और क्रू मेंबर शामिल थे इनिशियल को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर ऑन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर कर दिया गया था कुछ महीनों के लिए त्रिविक्रम ने इस फिल्म को बाद में नया वर्जन मॉडिफाई किया जहां पे इसको द एक्शन थ्रिलर की जगह पे फैमिली एंटरटेनर के तौर पे पेश किया जहाँ पे चीज़ें फिर से जो पहले एक दो शेड्यूल शूट किए थे उसको डिस्कार्ड किया हुआ था जहाँ पे शूटिंग का काम का था वो लेटर ऑन फिर से स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली फिल्म का टाइटल था इकतीस मई दो को अनाउंस किया गया था इनिशियली इस फिल्म में पूजा हेगड़े को लीड एक्ट्रेस का रोल दिया गया था लेटर ऑन जिस तरह से मैंने कहा कि शेड्यूल जो कैंसिल हुआ था उसके बाद में पूजा हेगड़े के कुछ और भी कमिटमेंट थे कुछ और फिल्में थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो रोल इस फिल्म से उन्होंने उस फिल्म से इस फिल्म से उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नपूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अट्ठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी 2023 में उसके बाद में सिनेमाटोग्राफर पी एस का भी डायरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आया जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एजेट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह सट्ठाइस दिसंबर 2023 तक अप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कंप्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहाँ पे दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल छेट है जिसके थे अट्ठारह मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक वालों ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम जोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नोरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण और साहित्य जगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 30 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया मावा इंतानिया गाना था उसको राम जोगरे शास्त्री ने लिखा हुआ था राम आचार्य कोमाडूरी ने श्री और राहुल सिप्लिगुन ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 10 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया रमणा ए गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पे 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था राम रामजुगिया शास्त्री ने विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था टोटली छः गाने थे जिसकी लेंथ हुई थी अट्ठारह मिनट पचास सेकंड इन सभी गानों को 26 जनवरी 2024 को ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाया तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकट रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानि कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानि कि वीरा रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले हैं उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते एक उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम है वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले कर है प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा कि उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीज़ें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना हो आए तो ये सभी चीजें की गई है लेकिन यहाँ पे चीजें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफ़ी ज्यादा मेहनत की वो ऐसा नज़र आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पर इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफ़ी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो घुंटो डायलेक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल सीन्स एक्शन सीक्वेंस सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ लाजवाब है उनकी एक कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म को बनाए रखती है इस फिल्म में मिनिस्टर महेश बाबू के ग्रैंड फादर का जो रोल जिस तरह से उन्होंने वो डिलीवर किया उसमें उन्होंने जो एक शकूनी मामा वाला काम किया वो काफी बढ़िया है ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जिस तरह से इस फिल्म में देखने को मिलती है इन लोगों के बीच में काफी बढ़िया थी जहाँ पे सिग्निफिकेंट लेयर्स के साथ चीजें ऐड की हुई थी वो काफी बढ़िया थी इस फिल्म में रम्या कृष्णन का एक लिमिटेड स्क्रीन प्रेजेंस था लेकिन उसके बावजूद वो अपने रोल के साथ एक इम्प्रेसिव फाइन परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई नजर आती है एक सबल और आ, इम्पेक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला क्रिशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए चैन्य लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो उसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा ले नजर आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नजर आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में में सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूटर था था कंट्रीब्यूशन वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्रन जगपति बाबू राव रमेश जया राम उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकेंड हाफ पहले

भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डिरेक्शन का काम है इस फिल्म का काफी ज्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है जैसे उनके इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय वीरा राघवान आ, आ, आ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफ़ी बढ़िया थी उसके मुकाबले गुंटूर कारम काफ़ी ज़्यादा वीक नजर आते है तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टारडम के साथ ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ से एक करोड़ के आसपास का ग्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुंटूर का राम फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कनाडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां तो इस तरह से नेटफ्लिक्स से ऊपर ऑफ गुंटूर ये दो हजार की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म है इसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ त्रिविक्रम श्रीनिवास ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ एस राधा कृष्णन ने जिन्होंने इस फिल्म को हरिका हासिन क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन दो करोड़ के के आसपास बनाया हुआ था इस फिल्म की टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी फिल्म की एडिटिंग को, को मिलेगी जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ था। इसके अलावा इस फिल्म का थमन ने दिया हुआ है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स है वो आदित्य म्यूजिक खरीदे हुए जिन्होंने अच्छी खासी प्राइस दी हुई थी इस फिल्म के म्यूजिक के राइट que le...

वसुंधरा का रोल प्ले करती हुई नजर आती है जो वेंकटा स्वामी की बेटी का रोल था रमणा की माँ का और गोपाल के का रोल था की सत्यम की एक्स वाइफ और राजा गोपाल नारायण की वाइफ का रोल था और हैदराबाद के लॉ मिनिस्टर का किरदार प्ले किया हुआ प्ले है जया राम ने इस फिल्म में भोगीननी सत्यम नारायण का रोल प्ले किया है उफ रॉयल सत्यम का रोल प्ले किया है जो वसुंधरा का फर्स्ट हस्बैंड और रमणा का फादर है प्रकाश राज इस फिल्म में व्यारा वेंकटा स्वामी का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के फादर है रमणा का ग्रांड फादर है जगपति बाबू ने इस फिल्म में डोका मार्क्स बाबू का रोल प्ले किया जो लेनिन का भाई है सत्यम का राइवल है राव रमेश इस फिल्म में पक्का राजा गोपाल नारायण यानी कि गोपाल का रोल प्ले करते तो हुए नजर आएंगे जो वसुंधरा के सेकंड हस्बैंड है और रमणा के स्टेप फादर है गोपाल के एडिप्टिव फादर का रोल था वो ईश्वरी राव ने इस फिल्म में बुज्जी का रोल प्ले किया है जो सत्यम की बहन है रंगम की वाइफ और रमसंभा और राजी की मां का

का एडोप्टिव हाफ ब्रदर है इसके अलावा पी रविशंकर इस फिल्म में काटा महतो का, का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो वेंटा स्वामी का राइवल है और ओपोजिशन लीडर है ब्रह्मा जी ने इस ने इस फिल्म में आदि का रोल प्ले किया हुआ है राव फेक हरिदास का रोल प्ले किया हुआ है घोष ने इस फिल्म में हरिदास का रोल प्ले किया हुआ है अजय इस फिल्म में आपको बाबू जी यानी कि ब्लाइंड कॉन्ट्रेक्ट किलर का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे रघुबाबू ने रंगम का रोल प्ले किया है जो बुज्जी के हस्बैंड का रोल है सम्मा और राजी के फादर का रोल है सत्यम के ब्रदर रमणा के अंकल का रोल था तेजक कुमान ने इस फिल्म में संभा का रोल प्ले किया हुआ। जो रंगम और के बेटे का है राजी के भाई और रमणा के कजिन का रोल महेश सचंता ने लेनिन के के बेटे और मार्क्स नेफ्यू का रोल प्ले किया पम्मी साई ने याकोब का रोल प्ले किया ने कियाबल मोहम्मद जो राजगोपालन के असिस्टेंट का रोल था वो प्ले किया है पूर्णा इस फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देती हुई नजर आएंगी रामौला के रोल में जहाँ पे वो कुर्चे मादरता टिकर के जो गाना है उसमें अपीरेंस दिया हुआ है जो फिल्म के लीड मिन कास्ट है जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले, प्ले, प्ले किए हुए हैं। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें अप्रैल 2021 में कुछ रिपोर्ट से पता चला था कि त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू और पूजा हेगड़े एक बार फिर से कोलोबरेट करते तो हुए नजर आ सकते हैं इससे पहले त्रिविक्रम श्रीनिवास महेश बाबू पूजा हेगड़े ने साथी में महर्षि की हुई थी जहाँ बाबू और पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी त्रिविक्रम ने इससे पहले अथाड और खलेजा फिल्म में वो महेश बाबू के साथ की हुई थी साथ ही में अरविंद समेत अला वैंकुटापुरम लो पूजा हेगड़े के साथ की हुई थी तो अब इन दोनों को लेते हुए एक फिल्म बनाने वाले थे वैसे वो एन टी राव जूनियर को भी क्रेप्ट सुना चुके थे लेकिन लेटर ऑन चीजें वहां पे आके रुकी थी कि अगर वो तैयार होते स्क्रिप्ट के लिए तो पहले वो फिल्म बनेगी या तो ये बनेगी बाद में महेश बाबू के साथ उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक मई को जहाँ पे पता चला कि महेश बाबू उत्तरी श्रीनिवास एक श्रीनिवासिव टाइटल नाम की फिल्म बनाने वाले जहाँ पे प्रोडक्शन का काम कामकाज नवंबर दो में स्टार्ट करवा दिया गया था सरकार विपा था फिल्म खत्म होने के बाद जहाँ सिने पे सिनेमाटोग्राफर के तौर पर पी एस विनोद एडिटर के तौर पर नवीन नुली म्यूजिक कंपोजर के तौर पर एस एस धमन आर्ट डायरेक्शन के तौर पर एस प्रकाश को फाइनलाइज किया हुआ था और इस राधा कृष्णन के द्वारा प्रोजेक्ट के ऊपर फंड किया गया जहां पे उन्होंने हरिका हसीन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस करने का फैसला लिया मुहूर्त पूजा सेरेमनी थी तीन फरवरी दो को सेट की हुई थी रामा नायडू स्टूडियो हैदराबाद में जहां पे सभी कास्ट और क्रू में शामिल थे इनिशियल इस फिल्म को एक्शन थ्रिलर तो के तौर पर बनाने वाले थे लेकिन लेटर वन चीजों को पहले शेड्यूल में जब कंप्लीट किया तो फिर से सभी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया गया था फिल्म के ऊपर स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क करने के बाद प्रोडक्शन को डिले कर दिया गया था कुछ महीने

थी जिसके चलते शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसके चलते उसके बाद में वो उन्होंने पीछे हट गए और उसके बाद में श्री लीला को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया गया उसके बाद में सभी एक्ट्रेस को भी मीनाक्षी चौधरी रम्या कृष्णन को एक के बाद एक की रोल के लिए इसमें अप्रोच किया गया था जहां पे प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी है वो 12 सितंबर 2022 से स्टार्ट करवाई थी अन्नापूर्णा स्टूडियो में एक एक्शन सीक्वेंस था उसके बाद में पूजा हेगड़े के साथ कुछ जो शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट था उसके चलते और साथ ही में जो फिर से स्क्रिप्ट के ऊपर रिवर्क किया हुआ था उसके बाद में फिल्म का फिर से स्टूट का शूट स्टार्ट किया हुआ था साथ ही स्टूडियो हैदराबाद में अट्ठारह जनवरी दो को जहाँ पर इस फिल्म का एक सेट भी कंस्ट्रक्ट किया था तेलंगाना शंकर रपाली में हैदराबाद में वहाँ पर उस सेट के ऊपर भी फिल्म को शूट किया हुआ था फरवरी दो में उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर पी एस का भी डिरेक्टर के साथ कुछ क्रिएटिव का डिफरेंसिस आए जिसके चलते उसके बाद में आगे की शूटिंग के लिए मनोज परमहंसा को एजेट सिनेमेटोग्राफर के तौर पे लिया गया था तो 50 परसेंट शूटिंग कंप्लीट होने के बाद मनोज परम हंसा इस फिल्म के साथ सिनेमेटोग्राफी के तौर पे जुड़े फिल्म का तीसरा शेड्यूल चौबीस जून को कंप्लीट किया प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी पूरी तरह अट्ठाईस दिसंबर दो हजार तेईस तक रेपअप करवाई उसके बाद में इस फिल्म के साथ ही में म्यूजिक डबिंग मिक्सिंग मास्टरिंग का काम चल रहा था वो भी कंप्लीट करवाया एडिट करके फिल्म को रिलीज के लिए तैयार किया गया था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो एस एस थमान के द्वारा फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए गए जहाँ पे 2022-23 में गानों को रिकॉर्ड किया था टोटल 6 ट्रैक है जिसकी लेंथ है अट्ठारह मिनट पचास सेकंड सभी गानों को तेलगु वर्जन में इस समन के द्वारा क्रिएट किया गया था आदित्य म्यूजिक ने लेबल करवाया हुआ था उन्होंने चीप खासी प्राइस में गाने खरीदे हुए थे पहला गाना दम मसाला उसको राम रामजोगे शास्त्री ने लिखा था संजीता हेगड़े और ज्योति नुरा ने उसको गाया हुआ था आदित्य म्यूजिक के द्वारा सात नवंबर दो को फर्स्ट सिंगल के तौर पर इसको रिलीज किया गया ओ माई बेबी गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा था शिल्पा राव ने गाया हुआ था इस गाने को सेकंड सिंगल के तौर पर तेरह दिसंबर दो को रिलीज किया उसके बाद में कोची मदापित्ती गाने को राम जोगे शास्त्री ने लिखा श्री कृष्ण और साहित्य जगंती ने गाया हुआ था इस गाने को थर्ड सिंगल के तौर पे आदित्य म्यूजिक के द्वारा 30 दिसंबर 2023 को रिलीज किया गया मावा इंतानिया गाना था उसको रामजो के राय शास्त्री ने लिखा हुआ था राम आचार्य ने श्री और राहुल सिप्लिगुन ने उसको गाया हुआ था इस गाने को 10 जनवरी 2024 को रिलीज किया गया रमणा ए गाना था उसको गंगूरा टी और त्रिविक्रम ने लिखा हुआ था गोते कन्ना कौवा ने उसको गाया हुआ था इस गाने को सिक्स फिफ्थ सिंगल के तौर पे 16 जनवरी 2024 को रिलीज किया अम्मा सॉन्ग को लिखा हुआ था राम रामजोगिया शास्त्री ने विशाल मिश्रा ने उसको गाया हुआ था टोटल छः गाने थे जिसकी लेंथ हुई थी अट्ठारह तो मिनट पचास सेकंड इन सभी गानों को 26 जनवरी 2024 को ऑफिशियली आदित्य म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाया तो फिलहाल में सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में आपको बिल्कुल फ्री में सुनने को मिल जाएंगे अब हम बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो फिल्म की कहानी है वो पूरी तरह से दो किरदार के ऊपर है जहाँ पे वीरा वेंकटर रमणा और रम्या कृष्णन का किरदार यानी कि व्यारा वसुंधरा के ऊपर जहाँ पे व्यारा वसुंधरा यानी कि रम्या कृष्णन अपने बेटे को यानी कि वीरा वेंकटर रमणा जो रोल महेश बाबू प्ले हैं उनको दस साल की उम्र में एक एक्सीडेंट के चलते क, उनको छोड़ के चली जाती है डायरेक्ट फिल्म को बाद में पच्चीस साल बताया बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कहानी में अब दिखाया गया है कि व्यारा वसुंधरा एक मिनिस्टर बन चुकी है जहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन में वो आसानी से जीत सकती है उनके फादर भी है जिनका नाम वेंकटा स्वामी वो रोल प्ले कर है प्रकाश राज वो रमणा के पास एक पेपर साइन करवाना चाहते जहाँ पे उस पेपर में लिखा होगा उनकी माँ यानी कि वारा वसुंधरा जिन्होंने उसको करीबन पच्चीस साल पहले छोड़ा हुआ था उनके साथ उनका कोई रिलेशन है नहीं और व्यारा वसुंधरा के साथ कोई रिलेशन तो नहीं है साथ ही में व्यारा वसुंधरा के साथ रिलेशन नहीं होगा वो सभी चीज़ें साइन करवाते हुए फिल्म में आगे चीजें बढ़ाई जाएगी जिसके चलते व्यारा वसुंधरा को उनके इलेक्शन में कोई दिक्कतें ना आए आए तो ये सभी चीज़ें की गई है लेकिन यहाँ पे चीज़ें रमणा के साथ सही नहीं जाती रमणा इस पेपर को तब साइन नहीं करता है उसके बाद में कुछ और सवाल क्रिएट होते हैं कि उसकी माँ ने उसको एक्सीडेंट के चलते क्यों छोड़ा था वेंकट रमणा के इस इस सभी चीजों को लेकर किस तरह से रिएक्ट करेगा साथ ही में क्या ये फिर से मिल पाएंगे वही सब सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है इस फिल्म में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है महेश बाबू उन्होंने इससे पहले जो पिछले कुछ सालों में फिल्में की हुई उस फिल्म के हिसाब से उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत की वो ऐसा नजर आ रहा था उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज तक उन्होंने वन दिया हुआ है वो अकेले अपने कंधे पे इस फिल्म को चलाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने एफर्टलेसली काफी बढ़िया तरीके से इस रोल के साथ एंटिसिपेट किया हुआ है उनका जो एक रफ और रगे स्टाइल दिखाया हुआ है उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फीचर हुए उनका जो घुटो डायलैक्ट आपको सुनने को मिलेगा वो बढ़िया था उनका जो एनर्जी है फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से हर एक फ्रेम में नजर आता है डायलॉग डिलीवरी से लेकर बॉडी लैंग्वेज एक फैन मोमेंट्स कुछ क्रिएट किए हुए इमोशनल हैं इमोशनल सी सभी जगह पे बढ़िया थे प्रकाश राज ने भी एक एंटागोनिस्ट का रोल जिस तरह से डिलीवर किया हुआ इस फिल्म में वो लाजवाब है उनकी एक कमेंटेबल परफॉर्मेंस फिल्म

इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस फिल्म में एक डेप्थ क्रिएट करती है इस फिल्म में कुछ कॉमेडी सीन्स भी डाले हुए जिसमें महेश बाबू वेनेला बेनेलाशोर ने मिलकर उसमें कुछ चीज़ें क्रिएट किए हुए जेन्यून लाफ्टर लाने में मदद करते हैं ओवरऑल इस फिल्म में दूसरे कुछ एक्टर्स हैं उनके किरदार प्रॉपर लिखे नहीं गए वैसे देखा जाए तो त्रिविक्रम के द्वारा एक फ्लैट नरेशन शेयर किया गया इस फिल्म के साथ उनकी स्टोरी लाइन जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा हो इसमें कुछ खास मजा नहीं था इमोशनल सीन्स में काफ़ी ज़्यादा ले क्लस्टर नजर आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा स्लो फिल्म नज़र आ रही थी फिल्म ओवरऑल थोड़ी बहुत बोरिंग भी नजर आ रही थी जो इम्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था फिल्म में कारम में सीन्स काफ़ी ज़्यादा थे कैरेक्टर्स का जो गुंटुरूशन था, था वो बहुत छोटा था क्योंकि काफी सारे जगह पे कैरेक्टर्स प्लॉट में उतने खास रोल नहीं दिए गए जैसे कि मीनाक्षी चौधरी राहुल रविंद्र जगपति बाबू राव रमेश जया उनके रोल आते जाते ही रखे हुए थे प्रॉपर डेवलप नहीं किए गए थे फर्स्ट हाफ में चीजें उतनी कुछ खास थी नहीं इंटरवल में थोड़ी बहुत चीजें ठीक होती है सेकंड हाफ पे आपके मुकाबले ठीक ठाक होता हुआ नजर आता है लेकिन ओवरऑल देखा जाए त्रिविक्रम ने जिस तरह से स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले डेवलप किया हुआ है वो लगता नहीं कि वो उन्होंने फिल्म लिख के डिरेक्ट की हुए काफी ज्यादा उसमें फ्लो नजर आते हैं ओवरऑल म्यूजिकली ये फिल्म थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी जहाँ पे महेश बाबू के साथ श्रीलीला का जो इस फिल्म में चीज़ें दिखाई गई जो परफॉर्मेंस दिखाई गई उसमें भी कुछ खास था नहीं वहाँ पे भी कुछ केमिस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी श्रीलीला का भी वैसे डांस काफ़ी अच्छा था लेकिन ओवरऑल उनका किरदार भी प्रॉपर नहीं था तो त्रिविक्रम श्रीनिवासन की तरफ से जो राइटिंग डन का काम है इस फिल्म का काफ़ी ज़्यादा कम इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है जैसे उनकी इससे पहले कई ऐसी फिल्में रही है जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो फिल्में डिरेक्ट की हुई थी काफ़ी भारी भरकम पिछली कुछ फिल्में आप, आपको मैं उदाहरण के तौर पे बताओ तो उनकी जो पिछली कुछ फिल्में रिलीज उन्होंने की हुई थी एज ए डिरेक्टर के तौर पर जो उनमें उनका काम था जैसे कि अलाव इंकुटापुरम लो अरविंद समय था वीरा राघवान अ सन ऑफ सत्यामूर्ति जुलाई ये सभी फिल्में उनकी काफी बढ़िया थी उसके मुकाबले गुंटूरकार काफी ज्यादा वीक नजर आते तो कितने सालों के बाद उन्होंने एक काफी ज्यादा वीक फिल्म डायरेक्ट की हुई है लेकिन महेश बाबू ने जिस तरह से उसको संभाला हुआ है वो बढ़िया था तो उनकी वजह से इस फिल्म को आपको देखना है तो देख सकते हो अदरवाइज चीजें उतनी कुछ खास है नहीं इस फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज किया गया था 12 जनवरी 2024 को संक्रांति के मौके के ऊपर इसके साथ कई सारी फिल्में भी रिलीज हुई थी लेकिन महेश बाबू के स्टार के साथ ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे एक रिसेंट कलेक्शन किया करीबन एक सौ सत्तर एक सौ अस्सी करोड़ के आसपास का क्रोस कलेक्शन किया बॉक्स ऑफिस पे एक एवरेज ग्रोसर फिल्म साबित हुई जिसके ओटीटी राइट्स खरीदे हुए नेटफ्लिक्स

एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कुंटूर कारम फिल्म फिलहाल में नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी डब के साथ साथ तेलुगु तमिल कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में अवेलेबल है वहां पे इस फिल्म को विथ इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देख सकते हो तो इस तरह से गुंटूर कारम फिल्म आप टोटल पांच लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स के ऊपर एन्जॉय कर पाओगे तो बस गाय इस कारम फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए इस फिल्म को किस तरह से कैसे क्या देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक डिटेलिंग दे दिए फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया हुआ है आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू